लोहागढ़ के लिए पहचाने जाने वाला भरतपुर अब हमारे सैनिकों के लिए अभेद्य मोबाइल बंकर यानी बुलेट प्रूफ बंकर भी तैयार कर रहा है। जी हाँ, रेलगाड़ी के वैगन्स बनाने के लिए पहचाने जाने वाले भरतपुर की सिमको वैगन फैक्ट्री, जो कि टीटागढ़ वैगन फैक्ट्री में मर्ज हो गई, अब न केवल रेलवे क्षेत्र में बल्कि रक्षा और मेट्रो क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। टीटागढ़ वैगन फैक्ट्री अब भारतीय सेना के लिए ट्रक माउंटेड मोबाइल बंकर के साथ ही मिसाइलों लॉन्चिंग के लिए जरूरी उपकरण भी तैयार कर रही है। डीआरडीओ की मांग पर फैक्ट्री में 80 ट्रक माउंटेड बुलेट प्रूफ बंकर या शेल्टर तैयार किए जा रहे हैं। ये बंकर ट्रक पर फिट करके बॉर्डर क्षेत्रों में सैनिकों के लिए भेजे जाएंगे। इनकी सबसे खास बात ये रहेगी कि इसके अंदर बैठा हुआ सैनिक गोली और रेडिएशन के साथ ही विपरीत मौसम से भी सुरक्षित रहेगा। ट्रकों के ऊपर फिट होने की वजह से इन बंकरों को उनकी जरूरत के हिसाब से अलग अलग स्थानों पर ले जाया जा सकेगा। मिसाइल का उपकरण फैक्ट्री में देश की सामरिक महत्व के लिए मिसाइल की लॉन्चिंग में जरूरी माना जाने वाला एक उपकरण भी तैयार किया जा रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से 221 BOVSN वैगन तैयार करने का ऑर्डर भी मिला है। जो बड़े ग्लोबल टेंडर्स में हम भाग नहीं ले पाते थे, इसका इतना टर्नओवर नहीं हो पाता था, तो ग्लोबल टेंडर्स में भाग लेने के लिए मैं ये सिमको भाग नहीं ले सकती थी, तो टीटागढ़ और सिमको को मर्ज किया गया। मर्ज करने के बाद में हमारे पास काफ़ी ऑर्डर्स आ रहे हैं। अभी पिछले साल हमने 4 BOBTP जनरल जो भारत पेट्रोलियम को हमने रैक बना के दिए हैं, 2 रैक के हमें अभी और रिसेंटली ऑर्डर मिले हैं, जो हम अक्टूबर तक 1 रैक जुलाई में देंगे जो 34 टैंकर की होगी, और दूसरी हम देंगे अक्टूबर में। कोरोना महामारी के दौरान फैक्ट्री ने 21 ऑक्सीजन प्लांट भी बनाए थे, जो कि डीआरडीओ की ओर से त्रिपुरा, मेघालय, बिहार, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के अस्पतालों में लगाए गए हैं। 8 साल तक फैक्ट्री बंद रहने के बाद 2010 में टीटागढ़ ने अधिग्रहित की और फिर से संचालन शुरू किया। अभी यहां 650 कर्मचारी अत्याधुनिक उपकरण के साथ काम कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा सकती है कि भविष्य में टीटागढ़ फैक्ट्री भरतपुर की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ बनकर उभर सकती है। देवेंद्र सिंह, जी मीडिया, भरतपुर।